आप सभी को जय मसीह की। आज शाम की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं। प्रार्थना को अंत तक देखना, तो प्रार्थना को शुरू करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे जीवित खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी हम आपको सच्चे दिल से सच्चे हृदय से धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर है मेरे सामर्थ परमेश्वर, जो इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ वो मेरी आवाज नहीं बल्कि तेरी पवित्र आत्मा की आवाज हो। और प्रभु जी इस प्रार्थना को हर एक मसीह के जीवन में फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर हर एक मसीह को आशीष दे। पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। पिता परमेश्वर प्रभु जी जिस तरह तूने दूसरों से प्रेम किया उसी तरह हमें भी सिखा ताकि हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। पिता परमेश्वर जैसे अपनों से प्रेम करते हैं उसी तरह दूसरों से भी प्रेम करें। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर तू सेनाओं का यहोवा है। पिता परमेश्वर तेरा नाम पवित्र है। पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम को जलाल मिले। पिता परमेश्वर जो प्रभु जी शाम को सोते हैं पिता परमेश्वर, जो रात को सोते हैं पिता परमेश्वर और उन्हें प्रभु जी घबराहट होती है पिता परमेश्वर, डर भय लगता है, तो मैं आपके सामर्थी नाम से पिता परमेश्वर मैं आपके जलाली नाम से शैतान को डांटती हूँ। पिता परमेश्वर उसके शरीर से दूर हो जाए। पिता परमेश्वर हालेलुया, क्योंकि तेरा नाम पवित्र है। पिता परमेश्वर शैतान तेरे सामने कांपता है। पिता परमेश्वर उस मसीह के शरीर से निकल सके और वो मसीह के सारे बंधन टूट सके, खुल सके। पिता परमेश्वर और तेरे नाम से वो आजाद हो सके। हालेलुया, क्योंकि तू महान है। पिता परमेश्वर हर एक मसीहों का बंधन खोलता है। पिता परमेश्वर हर एक मसीहों को प्रभु जी अनंत जीवन देने का तूने वादा किया है। पिता परमेश्वर तो जो पाप में गिरते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें संभाल। पिता परमेश्वर उन सबों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर क्योंकि संभालने वाला तू है। पिता परमेश्वर हम सबको संभाल। पिता परमेश्वर हर एक मसीह को आशीष दे। पिता परमेश्वर जो रात को सोते हैं पिता परमेश्वर उन्हें गंदे ख्याल गंदे सपने आते हैं। पिता परमेश्वर तो मैं अपने समर्थित नाम से उसे डांटती हूँ। पिता परमेश्वर उसके शरीर से निकल सके पिता परमेश्वर और तेरी पवित्र आत्मा उसके अंदर जा सके। पिता परमेश्वर और तेरे नाम को वो मसीह ऊंचा उठा सके। पिता परमेश्वर और प्रभु जी वो तेरे नाम को जलाल देता रहे। पिता परमेश्वर तो प्रभु जी सच में महान है। पिता परमेश्वर तू पवित्र है। पिता परमेश्वर तूने कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से निकलता है। हाँ प्रभु जी शैतान को हम हथियार से तलवार से नहीं हरा सकते हैं बल्कि तेरे वचन से हरा सकते हैं। प्रभु जी जैसे तूने वचन से हराया था शैतान को उसी तरह हमें भी सामर्थ्य दे और बुद्धि दे ताकि हम भी शैतान को हरेक वचन से हरा सके। पिता परमेश्वर और तेरे नाम को उस शैतान के आगे तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। पिता परमेश्वर शैतान तो हमें प्रभु जी हर एक पाप में गिराता रहता है। हर एक मसीह एक पाप में गिर जाता है तो शैतान दोबारा उसी पाप में गिराता है। हाँ प्रभु हमें सामर्थ्य दे ताकि हम उस पाप में दोबारा ना गिरने पाए। पिता परमेश्वर और तेरे पीछे चले। पिता परमेश्वर क्योंकि उद्धार करता परमेश्वर तू है, अनंत जीवन तू है। पिता परमेश्वर तूने कहा है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ प्रभु जी तेरे वचन में जो हर एक बार लिखी है पिता परमेश्वर वो सच है। पिता परमेश्वर तूने कहा है आकाश और पृथ्वी की बातें टल जाएंगी लेकिन तेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हाँ पिता परमेश्वर जो वचन में हर एक चीज लिखी है वो पूरी होगी। पिता परमेश्वर तो जब प्रभु जी जब आगमन हो तब हमें स्थिर रखना। पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने पंखों तले हम मसीहों को छिपा। पिता परमेश्वर तेरे पंखों में हम छिपे रहे। पिता परमेश्वर शैतान की छाया ना पड़े हमने। पिता परमेश्वर प्रभु जी हरे मसीह को आशीष दे। पिता परमेश्वर जो इस समय प्रभु जी मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु जी मेरा वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर उनके जीवन में यह प्रार्थना फलवंत होने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको बहुत ब्लेस कर और उन्हें आशीष दे। पिता परमेश्वर हरे मसीह को चंगाई दे। पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने प्रभु जी उन्हें चंगाई मिले और प्रभु जी मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाती हूँ क्योंकि तू सेनाओं का यहोवा है। तेरा नाम पवित्र है पिता परमेश्वर और हमें भी पवित्र बना। पिता परमेश्वर तू नहीं चाहता है कि हम नर्क जाएं तो हम सब मसीहों को हर एक लोगों को तो बचाना चाहता है। पिता परमेश्वर तूने हमसे वादा किया है कि तू हमें अनंत जीवन देगा। हाँ पिता परमेश्वर हमें हम सबको अनंत जीवन दे। पिता परमेश्वर और उस शैतान के पाप में ना गिरे। पिता परमेश्वर जो हर एक मसीह बार बार पाप में गिरता है पिता परमेश्वर मैं उन्हें कचड़े से निकालती हूँ। पिता परमेश्वर आपके समर्थित नाम से पिता परमेश्वर उन सबों को कचड़े से निकाल और उन्हें
उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे पिता परमेश्वर। उनके अंदर तेरी पवित्र आत्मा हो पिता परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के अनुसार वो चले पिता परमेश्वर। उन सबों को प्रभु जी बहुत आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर मसीह को आशीष दे, तेरे नाम को जलाल मिले पिता परमेश्वर। तेरे नाम को जलाल मिलता है। उद्धार करने वाला परमेश्वर तू है, तू ही हमारा उद्धार करता है पिता परमेश्वर। हर एक मसीह को हर एक संगति पे प्रभु जी तेरी दया का हाथ, तेरा आशीष का हाथ बना रहे पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मानती हूँ। आमीन।